बेटे पहली बात तो ध्यान रखना चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि इसका सवाल आपसे होगा ही, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इतना फंडामेंटल चैप्टर है कि ये हर जगह काम आ सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, कहीं भी इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, इसलिए इसके सवाल तो हम करेंगे ही, बढ़िया से प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन ये जो रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है आपकी पूरी पूरी मैकेनिक्स को कवर करेगा अब आकर के। तो मैं आपसे फिर एक बात बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूं कि आप इस चैप्टर में जी जान लगा दें। जैसे मैथमेटिक्स में पीएनसी एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखता और बहुत बढ़िया चैप्टर है, ऐसे ही फिजिक्स में रोटेशनल एक चैप्टर है, और ये रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है आपके सारे चैप्टर्स को पीछे वालों को लिंक करेगा, आपको वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं, आपको रोटेशन पढ़ते हुए तीन फेज का अनुभव होगा। पहला लगेगा अरे यार तो बहुत ही आसान है, 13 वाले भैया तो गलत कह रहे थे, इतना भारी चैप्टर शुरू होने वाला है, कुछ नहीं आएगा समझ में, इतना आसान चैप्टर है। 3 दिन लगता है केवल, कितने दिन? 4th दिन आपको लगेगा रोटेशन तो बहुत भारी चैप्टर है और लग रहा है हाथों से स्लिप हुआ जा रहा है। तब आपको पेशेंस के साथ थोड़ा सा होमवर्क करना होगा, थोड़ा सा घर से पढ़ के आना होगा, थोड़ा सा क्लास के बाद आपको टाइम लेना होगा। लास्ट क्लास में आराम से मिलूंगा आपको, आप चिंता बिल्कुल ना करें, डाउट के लिए मैं बैठूंगा। और आपका ये मोटो होना चाहिए कि आप जब अगले दिन क्लास में आए तो पीछे वाली सारी चीजें रिवाइज करके आए। ओके, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, ये चैप्टर पढ़ने से पहले ऐसा हो कि आपको पिछले वाला है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आना चाहिए, बहुत थोड़ा सा। ये नहीं कि आप एक्सपर्ट हैं पिछले चैप्टर में तो आपको तभी आएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन बस मेरा आपसे इतना सा ध्यान रखें कि जब भी आप क्लास में आए तो चैप्टर पढ़ के आए। इंपॉर्टेंट इस एस्पेक्ट से नहीं है कि आपको उसका पेपर में सवाल बनाना है, इंपॉर्टेंट इस एस्पेक्ट से है कि अब हर जगह आप कोई भी प्रॉब्लम, जैसे नेट फोर्स बराबर MA का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसी रोटेशनल की इक्वेशंस हर जगह आपकी इन्वॉल्व होने वाली है, इसलिए रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पेशेंस रखें और जिम के मेहनत करें इस चैप्टर में, ताकि ये प्रूव कर दें कि लो साहब अब मेरी मैकेनिक्स बहुत बढ़िया हुई है। और बेटे ये संपूर्ण जैसा अंतिम आहुति होती है ना कि भाई अंतिम आहुति दी तो यज्ञ पूरा हुआ, ऐसी मैकेनिक्स के लिए जो अंतिम आहुति है वो कौन सा चैप्टर है? रोटेशनल मोशन है। आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कोई भी फिजिक्स की किताब उठा लोगे आपको समझ में आने लगेगी। वरना होता क्या था, हम जैसी एक्स्ट्रा किताब का बुक का सवाल करने बैठते थे पता लगा वहां टॉर्क की इक्वेशन आती थी, हम पढ़ना ही छोड़ देते थे, मैंने सर पढ़ाया नहीं अभी, क्योंकि 11 में अलग सीक्वेंस होती है ना जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगी। तो ये बहुत फंडामेंटल है, लेंथी है, पेशेंस रखें और थोड़ी सी मेहनत करें। तो क्या शुरू किया जाए? कौन सा चैप्टर? नाम से पता लग रहा है कुछ रोटेट करेगा, कुछ घूमेगा, कुछ, लेकिन जो चीज जिसे घुमा रहे हो वो मजबूत हो, ताकतवर होना चाहिए। दिलदार लोगों का काम है झूले में बैठना, कमजोर दिल वाले थोड़ी बैठते हैं, क्यों भाई साहब? इससे सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है इसमें आता है, दैट इज रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके दोनों पॉइंट के, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि डी क्या रहता है, अगर कुछ भी हो जाए इसको पटक लो, ये कर लो, फेंक दो, घुमा दो, कुछ भी हो जाएगा तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज, ये कैसी बॉडी कहलाती है? ये रिजिड बॉडी कहलाती है। ओके, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग पढ़ेंगे रिजिड बॉडी। क्यों पढ़ रहे हैं रिजिड बॉडी, ये मैं आपको बताऊंगा कि रिजिड बॉडी क्यों पढ़ी जाती है। लेकिन हमें रोटेशनल मोशन पढ़ने से पहले एक ऐसी बॉडी का ख्याल मन में लाना होगा जिसके पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होगा, एंड सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। ओके, ध्यान से समझते हैं क्यों पढ़ा जा रहा है इसको। बेटे ये एक रॉड है, रिजिड रॉड। कैसी रॉड? ये घूम रही है इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, समथिंग लाइक दिस। ओके, आपने इस रॉड को घुमा करके यहां ले आए, तो बताओ ये ए पॉइंट क्या यहां पहुंच गया? बेटे बी कहां पहुंच गया? क्या यहां पहुंच गया? सब बच्चे ध्यान देना, दोनों के थीटा अलग अलग हैं, सेम है? क्या बात कर रहे हो? ये थीटा बड़ा नहीं है क्या? नहीं सर, कैसे बड़ा है? क्या बेटे ये वाला थीटा ए और ये वाला थीटा बी क्या दोनों इक्वल हैं? यस सर, दोनों थीटा सेम है। ये तो देखने में लग रहा है ये एंगल बड़ा है, बड़ा थोड़ी, तो आर्क बड़ी है, एंगल तो सेम ही है भाई यार, 30 डिग्री तो 30 ही डिग्री रहेगा, बड़ी क्या हुई? आर्क। लेकिन सोचो क्या ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ?
उतना ही है साहब। अच्छा, ये थी टी बराबर जीरो पर, अब किसी टाइम टी पर ये यहां है। तो बेटा एक बात बताइए, अगर मैं इसको टी से डिवाइड कर दूं, यानी कि थीटा ए बाई टी बराबर थीटा बी बाई टी कर दूं, क्या थीटा बाई टी ओमेगा होता है? Yes, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिला दूं, जो काम एस का था क्या वो थीटा का था? कंपेयर करो सर्कुलर और लीनियर मोशन को। जो काम एस का वो किसका? जो वी का वो, जो ए का वो अल्फा का। नहीं आ रहा क्या? सब बच्चे जानते हैं कि वी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ओमेगा बराबर क्या हो? क्या बेटे? थीटा अपॉन टाइम। जरा बताइए, जितने टाइम में ये पॉइंट यहां पहुंचा क्या उतने में ये यहां पहुंचा? तो क्या दोनों के टाइम भी सेम है? तो क्या इसका मतलब दोनों के ओमेगा भी सेम है? यानी कि इस रिजिड बॉडी के जिसके दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, मैं ये कह सकता हूं कि हर पॉइंट का ओमेगा सेम होगा। समझ में कम आया? अल्फा के बारे में क्या विचार है गुरुजी? अल्फा भी सेम, क्योंकि टाइम से फिर डिवाइड कर दोगे तो अल्फा भी सेम आ जाएगा। बोलो बेटे फायदा क्या है? अभी फायदा आपको समझ में आने वाला है इसका। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या मैं जानता हूं कि वी बराबर होता है आर ओमेगा? पता नहीं होता है कि नहीं? वी बराबर आर। जरा बताओ, इसकी रेडियस कम है और इसकी रेडियस, तो अगर ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो क्या वी प्रोपोर्शनल टू आर? यानी कि जिस कार ज्यादा उसकी, तो जरा बताओ कौन तेज चल रहा है, ये वाला या ये वाला? बी वाला तेज चल रहा है, तभी झूले पे बैठ के सबसे ज्यादा मजे ये लेता है। झूले में आपने देखा होगा कोने पे सीटें होती हैं, कोने में इसलिए क्योंकि रोमांच का अनुभव ज्यादा करेंगे। आप सोचिए देखा ना, ये वाला ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं उतने ही टाइम में, ये कम चल रहा है, ये तो कुछ पति तो पता ही नहीं लग रहा, तो बैठा हुआ झूला चला रहा है, मजे कौन ले रहा है ये? और नेवी की तो हवा खराब हो रही है, बहुत तेज चल रहा है, तेजी चल रहा है ना? जरा सोचो उतना ही टाइम तो है, क्या डिस्टेंस ज्यादा है ना? टाइम तो उतना ही है, ओमेगा तो सेम है ना? लेकिन जरा सोचो इस शक्ति के या डिस्क के इस वाले पॉइंट पर बैठा हुआ आदमी तेजी से घूम रहा है और ये वाला कम तेजी से घूम रहा है, क्योंकि इसकी लीनियर स्पीड ज्यादा है और इसकी लीनियर स्पीड कम है। इसका मतलब लीनियर स्पीड सबकी अलग अलग है, यानी कि वी ए बराबर है आर इंटू ओमेगा आर ए, और वी बी बराबर है, ये तो सर्कुलर के पार्ट है, यानी कि हर पार्ट की स्पीड अलग अलग है, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। जरा सोचो बेटे, ये कितना आसान लग रहा था, चूंकि ये रॉड थी, अगर ये रॉड की जगह चेन होती क्या होती? तो जरा बताओ चेन ऐसे रहती क्या? सिर्फ तो झूल जाती, महसूस करें आप, चेन आप घुमाओ क्या कुछ ऐसी हो जाएगी? तो बताओ, पहली बात तो क्या रिजिड बॉडी है क्या? ये तो बहुत कमजोर बॉडी है गुरुजी। अच्छा रोड होती तो यहां होती, बताओ हर का थीटा अलग अलग है ऐसे में? अरे हर किसी का थीटा अलग है, तो हर का ओमेगा अलग हुआ क्या? हर का अल्फा अलग हुआ? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, मैं किस किस का ध्यान रखूंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। नहीं समझा? और हम चल रहे हैं चीजों को आसानी की तरफ पढ़ते हुए, दैट्स वाई वी स्टडी, क्योंकि रिजिड बॉडी के हर पॉइंट का ओमेगा वही होगा जो रिजिड बॉडी का होगा, क्योंकि जो रॉड का ओमेगा है वही इसके हर पॉइंट का ओमेगा है, जो रॉड का थीटा है वही इसके हर पॉइंट का थीटा है, जो रॉड का अल्फा है इसके हर पॉइंट का अल्फा है। लेकिन आप सोचिए जरा, अगर ये चेन होगी तो क्या बेटे इसका ओमेगा इसका ओमेगा इसका ओमेगा इसका ओमेगा इसके अल्फा इसके थीटा अलग अलग हुए ना? यानी कि मोशन को एनालाइज करना बहुत आसान काम। समझ में नहीं आया? दैट्स व्हाई वी यूज विच टाइप ऑफ बॉडी? रिजिड रहे, ये तय कर लिया जाए, यूनियन बना ली हम लोगों ने, कुछ भी हो जाए सबका थीटा क्या होना चाहिए? हाँ अगर सेम है, लेकिन उसमें हमें रिजिड भी तो होना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? दैट्स व्हाई वी डिफाइन ए कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, तो एक ऐसी बॉडी जिसके दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? फिक्स, क्या रिजिड बॉडी कहलाती है? ये ए और ये बी, थीटा ए इज नॉट इक्वल्स टू थीटा बी, ओमेगा ए इज नॉट इक्वल्स टू ओमेगा बी, अल्फा ए इक्वल्स टू अल्फा बी। तो क्या पढ़ते हैं रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी की एक और बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, फिर सुने सब लोग ध्यान से, ये हमने कंस्ट्रेंट में भी पढ़ा था बेटे, अगर ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है? बी। इस वाले पॉइंट की स्पीड है इधर वी वन,
लेट्स से दिस इज एट एन एंगल 5-1, मैंने माना कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर है v2 या स्पीड v2 एंड दिस एंगल इज 5-2, तो जरा ये वाला एंगल बताओ 5-1, तो ये क्या हुआ, cos 5-1 या sin 5-1 है? और जे वाला क्या बात कर रहे हो ईमानदारी से, ये बताइए v2 क्या बात कर रहे हो, और ये बताओ v2 क्या sin 5-2 नहीं आ रहा। अगर ये रिजिड बॉडी है, अगर ये रिजिड बॉडी, तो जरा बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बदलेगी क्या? क्या हमेशा फिक्स रहेगी? बोलते नहीं, ये ज्यादा तेज चलेगा स्लो चलेगा, दोनों को कैसे चलना होगा? तो जो लाइन जॉइनिंग अलोंग स्पीड है यानी कि v1 cos 5-1 ये किसके बराबर होगी? v2 cos 5-2 के बराबर होगी। मुझे लग रहा है शायद कम समझ में आया, तो पढ़ते हैं रिजिड बॉडी, राइट डाउन लिखे, पहले लिख लो एक लाइन फिर डायग्राम बनाते रहना। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑफ द टू पार्टिकल्स, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑफ द टू पार्टिकल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन इट इज टर्म्ड एज विच बॉडी, रिजिड बॉडी। नोट कर लीजिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर वन अजी मतलब तो पता नहीं क्या है सर। अब बेटा पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, द वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक। सेकेंड इज रोटेशनल मोशन एंड द थर्ड वन इज जनरल मोशन। इसमें आता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस ठीक है। चलो ध्यान दें, ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? ये बॉडी केवल डिस्प्लेस हो रही है, घूम भी रही है? केवल डिस्प्लेस हो रही है। भगवान ना करे साइकिल के पहिए ऐसे हो तो कभी घूमेगी नहीं, चलेगी नहीं, हमेशा धक्के से चलेगी। पैंडल से तो कभी नहीं चलेगी, ये चल जाएगी पैंडल से। हाँ, एक आदमी को धक्का लगाने के लिए होगा, चल भाई चल, धक्के लगा, दोनों पहिए ऐसे हैं, तब जाके आगे भागेगी, मतलब फिसल सकती है, लगता है घूमेगी तो नहीं, या घूमेगी? ध्यान दें, ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई। अगर इसके इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखें तो क्या ये वाला पॉइंट यहां आ गया? और इसके इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखें तो ये यहां आ गया। ये बताओ बेटे, जितनी डिस्टेंस इसने चली क्या उतनी इसने चली? टाइम एक लगा या अलग अलग लगा? इसका मतलब जितनी वेलोसिटी ऊपर वाले पॉइंट की थी उतनी ही वेलोसिटी नीचे वाले पॉइंट की। यानी कि अगर एक बॉडी के अंदर सारे पार्टिकल, चलो इस वाले पार्टिकल को देखो, इस वाले को, ये यहां है तो अब ये यहां होगा। ये भी तो डिस्टेंस इतनी ही तो है, क्यों सर? अरे हाँ भाई, इतनी नहीं है ये, इधर से कम हुई तो इतनी बढ़ गई, लेकिन ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी सेम है। यानी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करने वाली बॉडी की अगर सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड सेम हो तो ये मोशन कैसा मोशन कहलाता है?
ये मोशन कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। आप समझे इस बात को। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो चोर ने साइकिल चुराई और ताला नहीं खुला, उससे नहीं टूटा ताला, तो क्या करेगा? कंधे पर रख के उठा के ले जाएगा। भाई ताला नहीं टूटा तो क्या करेगा? वो उठा के ले जाएगा ना, वो ये जैसे किसी घसीट के ले जाएगा वो। तो जरा सोचो, अगर पहिए पर यहां रेड कलर था, यहां ब्लू कलर था और यहां येलो था, तो थोड़ी देर बाद यहां कौन सा कलर होगा? क्या रेड ही होगा? यहां पर और यहां तो वही कलर तो मिल रहे हैं, क्योंकि सर ये घुमा ही नहीं, चला तो है। यानी कि फिर वही मतलब हुआ कि भाई जब ये यही है तो फिर ये घुमा थोड़ी है, पहिया तो केवल चला है, इसने केवल ट्रांसलेट किया है। ये वाला पॉइंट कहां पहुंचा और ये वाला कहां पहुंचा? तो जरा सोचो, फिर हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? ये मोशन ट्रांसलेशनल। अब तक आप यही पढ़ते थे, सोचो ये ब्लॉक ही तो होता था जिस पर आप फोर्स लगाते थे और ब्लॉक को खिसका देते थे। नहीं समझ में आया? तो ऐसा मोशन जिसमें मोशन करने वाले पार्टिकल के सारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो, सेम, क्या कहलाता है? ट्रांसलेशनल मोशन। और इसको चेक करने का बहुत शानदार तरीका जानते हो क्या है? कुछ नहीं करना, जो बॉडी आप देख रहे हो इसके अंदर चूज कर लीजिए कोई दो पॉइंट्स, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, एक लाइन से स्ट्रेट होनी चाहिए। अब दोबारा इनको दोबारा ढूंढिए, ये रही, अगर ये लाइन है पैरेलल, क्या है तो कौन सा मोशन हुआ? तो हुआ ट्रांसलेशनल मोशन। और ये लाइन अगर पैरेलल, मान लो ऐसी हो गई, ये ऐसे थी और ये ऐसे हो गई, तो सर फिर ट्रांसलेट नहीं किया, भगवान जाने क्या किया, लेकिन ट्रांसलेट नहीं किया मेरी बात शायद, क्योंकि इसका मतलब इसने तो कम चली डिस्टेंस और इसने क्या चली। तो अगर दोनों पॉइंट की स्पीड अलग अलग हो, फिर मोशन ट्रांसलेशन थोड़ी हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ट्रांसलेशनल मोशन वो मोशन होता है जिसमें सारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, सेम। अब आते हैं रोटेशनल को, समझते हैं बेटे। ऊपर पंखा चलता है या घूमता है? गलत है वो पोएम, ऊपर पंखा चलता है। अरे ऊपर पंखा घूमता है, नीचे बेबीज होती है। सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। तो हम कह रहे हैं ऊपर पंखा चलता है या घूमता है? घूमता है, चलना तो इसको कहते हैं। ये घूम रही है, चल रही है? हाँ चल रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सुने बेटे, वॉट इज रोटेशनल मोशन, लिसन केयरफुली। मान लीजिए ये कोई रिजिड बॉडी है और ये घूम रही है, अगर तो जरा बताओ एक दो ये वाला पार्टिकल कैसे घूमेगा? कैसा पाथ है? सर्कल। ये कैसे घूम रहा है? सर्कल। ये कैसे घूम रहा है? यानी कि सारे पार्टिकल सर्कल पे घूम रहे हैं, जिनका सेंटर क्या है? कॉमन है। क्या है? यानी कि मूवमेंट करने वाली बॉडी की ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर उसके सारे पार्टिकल को सर्कुलर मोशन की सजा हो जाए, जिनकी रेडियस अलग अलग हो लेकिन सेंटर क्या हो, कॉमन, कैसा मोशन कहलाता है? रोटेशनल मोशन कहलाता है। यानी कि रोटेशनल मोशन की सबसे खास बात यह है कि ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद डिफरेंट डिफरेंट रेडियस। मान लीजिए ये कोई रिजिड बॉडी है, कुछ भी बना दो रिजिड बॉडी के नाम पे, बना दे कुछ भी, अमीबा है दुनिया में, अमीबा दुनिया की कोई भी शेप अमीबा है, बस यहां न्यूक्लियस बना देना छोटा सा, आलू है ये, भगवान जाने कुछ भी है, तो रिजिड बॉडी है। क्या है ये? अब एक बात बताओ बेटे, इस रिजिड बॉडी को इसके अबाउट घुमाया जाए तो ये वाला पार्टिकल कैसे घूमे? ये वाला कैसे घूमे? ये कैसे घूमे? क्या सब सर्कल पे घूम रहे हैं? क्या सबके सेंटर कॉमन लाइन से पास कर रहे हैं? हो सकता है कंसेंट्रिक हो भी या ना भी हो, लेकिन सारे के सारे सेंटर एक कॉमन लाइन से पास कर रहे हैं। क्या सारे पार्टिकल सर्कल पर घूम रहे हैं? क्या सबकी रेडियस अलग अलग है? तो ये ट्रांसलेशनल है या रोटेशनल? अब बताओ पंखे का मोशन कैसा है? क्या ये पंखा ऐसे घूम रहा है? जरा सोचो, ये वाला पार्टिकल कैसे नाच रहा है? क्या ये वाला ऐसे नाच रहा है? क्या दुनिया के सारे पार्टिकल ऐसे से नाच रहे हैं? क्या सर्कल पे नाच रहे हैं? तो मोशन कैसा हुआ?
समझ में थोड़ी आया, क्या पंखा ट्रांसलेट कर रहा है? ट्रांसलेट तो तब होता जब पंखे को बस वहां से निकाल के यहाँ ले आते। ये क्या कहता? ट्रांसलेशनल। ये क्या है? समझ में नहीं आया। वो झांकी नहीं होती, झांकी बनाते हैं जो रामलीला वगैरह में, जब भगवान वो विष्णु जी बनाए जाते हैं, विष्णु जी के हाथ में एक चक्र होता है, बैटरी खत्म हो गई तो वो ट्रांसलेट करा रहे हैं। घूम थोड़ी रहा है वो, केवल क्या है? ट्रांसलेट। समझ में नहीं आया। बैटरी चालू है और वो रुके हुए हैं, तो केवल क्या है? रोटेशन। और बटन दब जा, वो घूमता हुआ आगे बढ़ा तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कहलाता है। सर ध्यान दीजिए, और ये जो लाइन है बेटे, जिसका बहुत सारे पार्टिकल अलग अलग रेडियस के सर्कल पर घूम रहे हैं, ये कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटे रोटेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो कॉमन सेंटर से पास होने वाले जो लाइन है, जिसके अबाउट सारे पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, अलग अलग रेडियस के सर्कल पर घूम रहे हैं, ये क्या कहलाता है? रोटेशनल मोशन कहलाता है। और रोटेशनल मोशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, छोटे बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती तो वो उसको स्टैंड पर खड़ा कर लेता है। किस पे खड़ा कर लिया पहिए को? ये फिक्स कर लिया और इस पहिए को घुमा रहा है बस। ना, कभी यहाँ रेड है, कभी येलो है, कभी ब्लू है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा, तो केवल क्या कर रहा है? केवल रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट थोड़ी कर रहा है। समझ में नहीं आया। साइकिल में लगा हो ताला तो कौन सा मोशन? साइकिल खड़ी हो स्टैंड पर तो पहिए का मोशन, और साइकिल चला रहे हो तो, साइकिल चला रहे हो तो क्या प्लेस भी बदल रहा है? क्या घूम भी रहा है? क्या चल भी रहा है? चलने का मतलब, घूमने का मतलब, दोनों अगर साथ साथ हैं तो। इसका मतलब जब मैं साइकिल चलाता हूँ, सर मोटरसाइकिल तो वो भी एक ही बात है, जब मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो क्या ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है? समझ में नहीं आ। सब बच्चों को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या क्लियर है या ऑल क्लियर है? पक्की बात। तो कितने टाइप्स के मोशन है, हमें कौन सा पढ़ना है? जनरल तो पढ़ेंगे, अब सुनो, जनरल पढ़ेंगे लास्ट में, यानी कि पहले किससे डील करेंगे? ट्रांसलेशन पढ़ के आ चुके हैं अब तक, जो पढ़ा था वो ट्रांसलेशनल था, अब पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्या जनरल में दोबारा रोटेशन पढ़ोगे? तो रोटेशन का रिवाइज कितने टाइम होगा? इसलिए जो यहाँ पर धैर्य रखेगा, क्या वो यहाँ पर अपने कंसेप्ट को पक्का करेगा? इसलिए अगर चैप्टर भारी भी होगा तो क्या वो यहाँ जाकर के समझ में आ जाएगा? इसलिए हर चीज अगर आपकी समझ में ना आए तो कुछ चीजों को याद करके आगे बढ़ जाना है ना, क्योंकि हर चीज हो सकता है समझ में ना आए, तो कुछ चीजों को याद करके आगे बढ़ जाओगे तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगी। पता लगा साला पढ़ना ही छोड़ दिया, मैं नहीं पढ़ रहा आगे जाकर। अब बताओ जरा दरवाजे का मोशन कैसा है? दिख रहे हैं क्या दोनों पॉइंट? दिख रहे हैं? आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, थोड़ी सी इमेजिनेशन तो है या नहीं? इमेजिन है, भूल जाओ सब कुछ, दरवाजा भूल जाओ, बस आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, केवल दो पॉइंट, केवल दो पॉइंट, एक ये वाला और एक क्या ये वाला यहां पहुंच गया? क्या यहां पहुंच गया? अरे भाई एक बात सोचो ना, ये अगर ये रहा भाई, ये सर्कल पे तो घूम रहे हैं यार, गजब कर दो, ये रेडियस है ये। अरे भाई ये दरवाजे के ये देखो, ये वाला यहां से यहां पहुंचा, अबे ये थोड़ी मूव कर रहा है, रोटेशन नहीं है, हर पॉइंट रोटेट कर रहा है। देखो ये वाला पॉइंट भी तो रोटेट ही कर रहा है, ये सारे रोटेट ही तो कर रहे हैं। आप दरवाजा बना के देख लो ना, ये रहा ना दरवाजा भाई, सारे पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? सर्कल में नहीं जा रहे। और ये क्या है? कॉमन सेंटर है। और ये लाइन क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ। अब भी समझ में नहीं आया? तो दरवाजा ट्रांसलेट कर रहा है रोटेट,
दरवाजा रोटेट कर रहा है, पंखा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये तो फिक्स है और सारे पार्टिकल सर्कल पर घूम रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद समझ में कम आया। तो कितने तरह के मोशन, पहला, दूसरा, तीसरा, व्हाट इज रिजिड बॉडी, जिसके दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हमेशा, हेडिंग डालो, करेंगे कल, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।